इसके पास भी M16 है, इसके पास ये लो पूरी स्क्वाड और अंदर M16 वो देखो आ रहा। वो एकदम कोने में। तो कैसे आप लोग हे गेमर गैंग, स्वागत तुम सभी का एक और ब्रांड न्यू PUBG PUBG लाइट की हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। आ चुके एक और नए तड़कते भड़कते गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस। और बंदे तो तुमने देख ही रखे, स्टेडियम में कितने सारे आ रखे, लेकिन गेम में आगे तबाही मचाने से पहले ना बात कर लेते हैं GamezOp के बारे में। तो GamezOp आजकल ना बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि ये लोगों को आसान गेम्स खेलने के पैसे दे रहा है। पैसे दे तो क्या रहा है यार, पानी की तरह बहा रहा है। और इसे यूज करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस तुम्हें अपने क्रोम ब्राउजर पे www.gamezop.com सर्च करना और फिर यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही इजी गेम्स खेलकर तुम कभी 50 से 100 रुपये तो कभी स्मार्टफोन लैपटॉप तक जीत सकते हो। और इसे जीते हुए पैसे तुम अपने पेटीएम से भी ले सकते हो, नहीं तो अपना फोन रिचार्ज भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इसमें तुमको अपने फ्रेंड को रेफर करने के भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इतना पैसा ये लोग दे कहाँ से रहे हैं। रोज की कमाई है, बता रहा हूँ, नाम याद कर लो gamezop.com। तो चलो थोड़ी बहुत कमाई धमाई की बात तो यहाँ पर हो गई, लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे गेम प्ले पे। और यहाँ पर स्टेडियम में भाई बहुत सारे बंदे आ रखे हैं। पहले तो यहाँ पर लूट पार्ट अच्छी खासी कर लेते हैं ना, 1-2 गन रख लेते हैं अपने हाथ में। स्कारल मिल चुकी है और एक एम भी मिल जाती है ऊपर चढ़ते। फिर अब जैसे ही नीचे की तरफ कूदते हैं, अब एक एम मिल चुकी है, भैया रश करना तो बनता है इसी बात पे। जैसे ही नीचे की तरफ कूदते हैं, यहाँ से एक आधे बंदे निहत्थे मिल जाते हैं। अब बस देखो भसड़ कितनी मच रही है यहाँ पे। अब सीन कुछ ऐसा था ना, मैं यहाँ पे अंदर डायरेक्ट तो घुस नहीं सकता था 3 बंदों के मुंह के सामने, वरना वो मेरी पेटी एकदम से कंप्लीट बना के छोड़ देंगे, जैसे एक बंदे की बनी है। तो इस साइड आ जाता हूँ और सामने बंदे भी मिल जाते हैं। तो देखो बस कैसे निपटाते हैं इनको। भाई ये जो लास्ट का बंदा था, मतलब क्या ही नाच रहा था भाई, ये इधर से उधर और इसका लैग अलग से हो रहा था, जिसकी वजह से मतलब इतना गंदा डैमेज मैंने उसको दिया है ना, क्या ही बताऊं। इतने बंदे की पेटी बन सकती थी कंप्लीट, लेकिन मैं कहता हूँ ना उसको रेंडर ही नहीं होंगी गोली। आप मतलब जो उस तरह का लैग हो रहा था उसका रेंडर ही नहीं होंगी, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। खैर यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाए तो, और अभी स्टेडियम में एक आधा बंदे हैं जो कि कैंप करके बैठे रहते हैं। तो देखो बस एक बंदा यहीं पर कैंप करके बैठे, जस्ट अपने बगल वाले रूम में। अब ये वाला बंदा पता नहीं कौन सी स्क्वाड का था, यहाँ पर शायद अकेला था जो कि लूटपाट कर रहा था बेचारा खड़े होकर, जिसकी पेटी हमने बना दी यहाँ पे। और यहाँ पर अब लग रहा था कि स्टेडियम क्लियर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। ऑल पे हमने चैलेंज जो दिया था स्टार्टिंग में कि भैया स्टेडियम आ जाओ, तो इतनी जल्दी से तो क्लियर होने वाला नहीं। और स्टार्टिंग में भाई 2-2 स्क्वाड आती है, दिख चुकी थी। यहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि शायद 16 वर्ष स्क्वाड खेल रहा था, और पीछे की तरफ जाकर ना बॉट मार रहा था वो। अब उस बंदे ने मेरे को यहाँ पे स्पॉट कर लिया था, लेकिन शायद उसको लग रहा था कि एक ही बंदा होगा। और यहाँ पर मैं क्वीन को आगे भेज देता हूँ कि जा निपटा देता हूँ उसको, निपटा पाए तो, लेकिन नहीं। एट द एंड किल ही अपन चोरी कर लेते हैं यहाँ पर। इस बंदे की पेटी बन चुकी है। अब देखो मैं गाड़ी लेने जाता हूँ यहाँ से सीधी पहले फुर्सत में, लेकिन गाड़ी के पास भी ना कुछ बंदे होते जो कि गाड़ी उठाकर निकलने की तैयारी में होते, लेकिन बस हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और इसी के साथ एक बंदे को गाड़ी से उतारते, और एक और बंदा पीछे जाकर ना छुपने की ट्राई कर रहा था, लेकिन हल्का सा एंगल दिख रहा था और उसको भी नॉक कर दिया। और एक साथ एक और टीममेट था, उसको पूरा फिनिश डाल दिया। अब खैर ये वही बंदे होते जो कि ऑल पे चैलेंज किए थे, तो हम जाकर थोड़े बहुत मजे लेते हैं इनसे। मैं सही बता रहा हूँ, ये उन लौंडों में से आते हैं जो कि एन वक्त पर अपना रास्ता बदल लेते हैं। पहले तो ऑल पे चिल्ला रहा था भैया, चैलेंज कर रहा था कि स्टेडियम आ जाओ। ये बंदा खुद स्टेडियम नहीं आया था, और जब ये पिट गया यहाँ पे तो भैया कह रहा है टीम अप, मतलब टीम अप। खैर यहाँ पर इनके 2 ही बंदे थे, और बाकी जो 2 बंदे ना वो पीछे से आ रहे थे। तो हम गाड़ी घुमाते और देखना वो बंदे मिल जाते हैं रास्ते पे ही। अब यहाँ पर पता नहीं ये बंदे मेरे को सच में जानते थे या ऐसे ही नाम ले रहे थे, भाई कुछ नहीं पता मेरे को। इतने पीछे से एक और स्क्वाड आ चुकी है। जिसने कि बहुत ही गंदा डैमेज दिया था यहाँ पे मेरे को। खैर क्वीन तो वहाँ पर फंस जाती है और उसकी कंप्लीट पेटी बनने वाली, लेकिन यहाँ पर मैं हील लगा लेता हूँ। लेकिन जोन भी आ चुका था और जोन भी कुछ ज़्यादा ही काट रहा था। अब सामने की तरफ दिख चुका था कि भैया पूरी पूरी स्क्वाड रश कर रही है मेरे ऊपर। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर सीन देखना क्या ही होगा भैया। इस बंदे को जरा नोटिस कर लो तुम अच्छे से। मैं यहाँ पर एंगल बनाने का सोचता हूँ लेकिन पीछे से फिर से पड़ने लगता है। जैसे हील लगा रहा था मैं, इतने में देखो ये बंदा आता है। तो गाइज S12 के वाले यार कुछ खा नहीं जा सकता इनको, है ना। फिलहाल ये देख लो, अच्छी चीज़ ये हो गई कि मेरे को अपने पैसे रिसीव हो चुके। मैंने जो GamezOp पे गेम खेला था उस चीज़ के। तो जाओ यार तुम भी जाकर गेम वगैरह खेलो, पैसे वैसे कमाओ, है ना। अब आ चुके हैं अपने सेकंड वाले गेम प्ले वीडियो में और इसमें चिकन डिनर होने वाला बहुत ही हार्ड। दरअसल यहाँ पर जो एक स्क्वाड उतरी थी ना, इन लोगों का सीन ही बहुत गलत था। इतनी लेट लैंडिंग करी थी इन लोगों ने, मतलब इनको गन वन भी नहीं मिली थी अच्छी खासी और इनकी पेटी बनने वाली है। खैर एक और बंदा आता है सामने की तरफ से। और इसी के साथ आई साइलेंट क्लियर हो चुका है। मतलब तीन ही बंदे आए थे, तीन नहीं चार बंदे आए थे, जिसमें से कि एक बंदे को मेरे टीममेट से निपटा दिया, बाकी तीनों को मैंने निपटा दिया। अब इसी के साथ आई साइलेंट क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि किल केडी कंटेंट की लालच हर किसी को रहती है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो वीडियो को। और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें हम डेली लाइव करते हैं ना। तो आ जाना लाइव पर भी, बूम बाम चलता है ना, वो भी लाइव बूम बाम चलता है जो कि तुमको गेम प्ले में देखने को मिला, वही लाइव देखने को मिलेगा। अब खैर नदी वदी क्रॉस करके निकलते हैं यहाँ से और बंदूक की तलाश में। अब लिटरली बंदूक की तलाश में हम बहुत देर तक घूम रहे थे लेकिन बंदूक दिखने का नाम ले रहे थे। यहाँ पर एक गाड़ी आती जो कि क्रॉस करने के फिरात में ऐसे उड़ाई थी गाड़ी उन्होंने, बट उनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। मुझे लगा था एक आधे बंदे होंगे लेकिन भाई साहब पूरे पूरे तीन बंदे निकलते हैं और वहाँ पर आई थिंक एक आधा बंदे और होते हैं जिनसे कि वो लोग फाइट लेने लगते हैं। इसका फायदा मेरे को मिलता है, एक को मैं पहले नॉक करता हूँ और जाकर फिर सबकी पेटी बनाता हूँ। अब यहाँ पर ये वाले स्क्वाड को भी लॉबी पहुँचा दिया गया। भाई बंदों ने मतलब क्या ही दिमाग लगाया था, सोच रहे थे कि इस साइड से उड़कर थर्ड हिल जाएंगे सीधा, लेकिन इस साइड से उड़कर उनकी पेटी बन गई सीधा यहाँ पर। खैर इस वाली स्क्वाड वाइक के लिए यार एक लाइक ज़रूर से कर देना तुम सभी लोग। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, नीचे लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर से फॉलो कर लेना। अब गाड़ी उतार फिर से वही बंदों की तलाश में निकलते हैं यहाँ से। भैया और ज़्यादा किल चाहिए, मतलब किल की लालच कुछ ज़्यादा ही है। आगे जाते जाते हमको एक BRDM मिलती है रास्ते में और अब बस BRDM वाले की किस्मत देखना तुम। ओपी सबसे ज़्यादा बुरा ना मुझे इस पहले वाले बंदे के लिए लग रहा है, बेचारा BRDM से उतरा तो सीधा मेरी गाड़ी के आगे। अब यहाँ पर ये दो ही बंदे आए थे और इसके बाकी जो टीममेट थे वो पता नहीं कहाँ पर थे, बिल्कुल भी नहीं। खैर पीछे की तरफ एक फ्लेयर चली हुई थी तो फ्लेयर पे जाना तो बनता है यार, बंदे बंदे होंगे फ्लेयर पे, चलते हैं सीधा वहीं पर। इधर ही था मैं फ्लेयर पे, चल चल। और ये बंदा भी फाइनली यहाँ पर गाड़ी के नीचे आ जाता, मतलब कहते सल्लू भाई से ट्रेनिंग लेके आया हूँ मैं गाड़ी चढ़ाने की। खैर यहाँ पर अभी एक और बंदा है जो कि फिर से मेरे गाड़ी के नीचे आने वाला है और इसको तो कह सकते हैं महंगा वाला नशा फूका है इस बंदे ने, क्योंकि बंदे को दिख रहा है जबकि गाड़ी आ रही है सामने से, फिर भी सामने से हट ही नहीं रहा। चल चल ड्राइव इनको निपटाना की तरह। और इसी के साथ हमारे अलावा अब सिर्फ बच रहे हैं यहाँ पर टोटल तीन बंदे, जो कि एक बंदा तो टावर पे चढ़ रहा था, मुझे इस पर पता चल गया था लेकिन मेरे टीममेट के पास ऑम रहता ना, जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ टावर पे चढ़ने के लिए तब तक मेरा टीममेट बजा देता उसे ऑम से। अबे एक ही था। अब बच रहे लास्ट के दो बंदे जिनको ढूंढने के लिए हम गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर अगेन वो दिख जाते हैं जो कि पता नहीं यहीं पर आए थे टावर के ऊपर चढ़ने के लिए, पता नहीं कहाँ पर कैंप करके बैठे थे, शायद आउट ऑफ द जोन कैंप करके बैठे थे, हील बैटर करने वाले थे आई थिंक, लेकिन फिर से वो टावर के ऊपर चढ़ते हुए दिख जाते हैं तो बस बजाते हैं इनको भी। अब इसका जो एक और बंदा है कि लास्ट बंदा पूरे मैच में, वो दरअसल टावर के ऊपर चढ़ा बैठा। मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था नेट वहाँ तक जाएगा। लेकिन फाइनली इस नेट से बंदे की पेटी बन जाती है और इस नेट के लिए यार 1 लाइक जरूर से कर दे तुम सभी लोग। तो आई होप कि बस तुम लोगों को आज का ये वाला गेम प्ले वीडियो जरूर से पसंद आएगा, पसंद आया तो 1 लाइक जरूर से करना। चैनल पे कोई रैंडम बंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक बार गैंग के साथ होता है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना और हाँ GamezOp को याद से विजिट कर लेना, वहाँ पर पैसे बट रहे हैं तो अपना हिस्सा लेना बिल्कुल भी मत भूलना तुम लोग। खैर मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट तगड़े से गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ना बाय।